भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आज तेजस्वी यादव से लड़ गए, आपने इस वीडियो के शुरुआती क्लिप में देख ही चुके होंगे। पत्रकार मनीष कश्यप का सपोर्ट अब अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी करने लगे हैं, जिसके बाद से यह बिहार वासियों को पूरी तरीके से साफ साफ मालूम पड़ गया है कि पत्रकार मनीष कश्यप अब बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज खुद तेजस्वी यादव से लड़ गए और उनको बयानबाजी करते हुए बोले हैं कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जो केवल अपनी गद्दी को देखता है, अपने राज्य के विकास को नहीं देखता है। ऐसे लोग राजनीति में रहकर कुछ नहीं अपने राज्य के लिए कर पाएंगे। पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में अब बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित अब राजनेता लोग और कई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी सीधा सीधा पत्रकार मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में और आए दिनों सोशल मीडिया पर देख ही चुके होंगे। पत्रकार मनीष कश्यप को लगातार दो राज्यों की सरकारों ने मिलकर जिस तरीके से यातनाएं दी है, उन यातनाओं को खत्म करने के लिए और उसका बदला लेने के लिए बीजेपी पार्टी के लोग और उनके समर्थन पूरी तरीके से मनीष कश्यप के सपोर्ट में उतर चुके हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, तमिलनाडु में जब पत्रकार मनीष कश्यप जेल में बंद थे, तो उनको जेल से रिहाई करने की पहली आवाज तमिलनाडु के रहने वाले के बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा ही की गई थी। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ने ही पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से रिहाई की मांग तमिलनाडु में उठाई थी उनके भाई करण कश्यप के साथ में। अब बिहार में आने के बाद भी पत्रकार मनीष कश्यप पर बिहार सरकार के द्वारा यातनाएं दी जा रही है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद बिहार में चलकर आए और बिहार में भाषणबाजी की और वहां पर जेल से निकालने की बात इन सरकारों के सामने वह मांग के तौर पर रखे। बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि हमारे मेहमान हैं। जिससे पूरी तरीके से साफ साफ हो गया है कि पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई अब बहुत जल्द होने वाली है। दोस्तों, मेरी बातों से अगर आप लोग भी सहमत हैं, मनीष कश्यप को जेल से अगर आप भी बाहर आने देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, क्योंकि इतने दिनों से मनीष कश्यप को यातनाएं दी गई, उन सभी यातनाओं का बदला पत्रकार मनीष कश्यप बिहार में नए सीएम के चेहरे के तौर पर लेंगे और बिहार में वह मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। आप लोग पत्रकार मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के चुनाव में सपोर्ट कीजिएगा या फिर नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके उनके लिए जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार के विकास के बिना हम लोगों का भारत का विकास संभव नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम देश के सर्वोत्तम वैज्ञानिक ने कहा था, अगर बिहार का विकास करना है तो पत्रकार मनीष कश्यप जैसे नवयुवा को बिहार की गद्दी पर बैठाना होगा। पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में अगर आप लोग भी हैं, तो मनीष कश्यप जिंदाबाद इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, उनके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।